सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं कि आप ब्रांच एप्लीकेशन से कैसे आप सभी लोग इमरजेंसी में लोन ले सकते हैं। बेसिकली इस एप्लीकेशन के थ्रू आप 500 से 50,000 रुपये तक का इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि कैसे आप ब्रांच एप्लीकेशन के थ्रू इमरजेंसी लोन कैसे ले सकते हैं। उसका मैं कंप्लीट जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब हम इस तरीके का वीडियो आप सभी लोगों के लिए फ्यूचर में डालें तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, लोन लेने के लिए आप सभी लोगों को अपने मोबाइल फोन में ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि आप सभी लोगों को यहां पर 4.4 की रेटिंग दिखाई दे रही है, जो कि सबसे अच्छी रेटिंग मानी जाती है। उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करके इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहां पर 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, जो कि काफ़ी लोग इससे लोन ले चुके हैं, काफ़ी लोग यहां पर डाउनलोड कर चुके हैं इस एप्लीकेशन को। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप सभी लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, इंस्टेंट पर्सनल लोन फ्रॉम 500 to 50,000 क्विक अप्रूवल एंड डायरेक्टली टू बैंक ट्रांसफ़र। तो आपका ये पैसा आप सभी लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है और आप सभी लोगों को यहाँ पर 500 से 50,000 रुपये तक का क्विक अप्रूवल के साथ में आप सभी लोगों को यहाँ पर लोन दिया जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आप यहां पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप सभी लोगों को इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ फर्स्ट इंटरफेस ऐसा आएगा, जिसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपको यहाँ पर लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर इंग्लिश से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर फर्स्ट टाइम आने पर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइन इन एंड रजिस्टर का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर नीचे जो सेकंड बटन दिखाई दे रहा है आई एम न्यू टू ब्रांच, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इतना करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर आपका कंट्री सेलेक्ट होगा, ये आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर नीचे आना होगा, जो आपको यहाँ पर फर्स्ट बटन दिखाई दे रहा है रजिस्टर विद फोन नंबर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में जो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्टर न्यू अकाउंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसको आप सभी लोगों को यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर 0 रुपीज़ दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपने इस एप्लीकेशन से अगर पहला लोन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 0 ही दिखाई देंगे। उसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लोन लेने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है 500 रुपये से 50,000 रुपये तक का आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। उसके बाद में आप सभी लोगों को लोन लेने के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करना होगा, जो कि आप सभी लोगों को परमिशन अलाउ करने के लिए नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है अलाउ एक्सेस का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सभी लोगों का यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और आपसे एक यहाँ पर एक सेल्फी ली जाएगी, और इसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर पर्सनल डिटेल भी आप सभी लोगों को यहाँ पर फिल करना होगा। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर अपने ID का वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो अगर आपके पास में डिजी लॉकर का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहां पर प्रोसीड टू OTP वेरिफिकेशन पर क्लिक करके एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा और वहां से आपके ID का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में डिजी लॉकर का ID नहीं है, आपका यहां पर अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो आप सभी लोगों को नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपलोड ID का, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करनी होगी कि आप यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए कौन सा यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं।
तो आप सभी लोगों के ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आधार कार्ड और आप सभी लोगों को वोटर आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर आधार कार्ड डालेंगे तो आधार कार्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास में आधार कार्ड या आईडी कार्ड जो भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर फिर से एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को अपने आईडी का यहां पर फ्रंट साइड का फ़ोटो लेना होगा। फ़ोटो लेने के लिए आप यहां पर सर्कल में क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप सभी लोगों को यहां पर अपना एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है फ्रंट साइड का। फ्रंट साइड का फ़ोटो लेने के बाद में आप सभी लोगों को यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट हो जाने के बाद में आप सभी लोगों को अपने आईडी के बैक साइड का आप सभी लोगों को फिर से यहां पर एक फ़ोटो लेना होगा। फोटो लेने के बाद में आप सभी लोगों को यहां पर फिर से एक सबमिट का बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी लोगों को इस सर्कल में आकर के आप सभी लोगों को अपना एक सेल्फी लेना है। देन उसके बाद में आप सभी लोगों को यहां पर एक सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। देन उसके बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में आप सभी लोगों को यहां पर अपना पर्सनल डिटेल देना होगा, जिसमें आप यहां पर आपके आईडी में जो नाम है उसको आप डाल देंगे। देन उसके बाद में आप पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर उसके बाद में आप जेंडर डालेंगे। देन उसके बाद में आप सभी लोगों का जो भी एड्रेस है आपके आईडी में उसको आप फिल कर देंगे। देन उसके बाद में आप यहां पर सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद में आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप सभी लोगों को यहां पर अपना पिन कोड डालना होगा। उसके बाद में आप सभी लोग यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में अपनी मेल आईडी डाल करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी लोगों को यहां पर वो बैंक सेलेक्ट करना है जिसमें आप सभी लोग इस लोन का पैसा लेना चाहते हैं। तो आप यहां पर अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में आप उस बैंक का आप यहां पर अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में आप सभी लोगों को जो भी लोन अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा वो अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये लोन अमाउंट आपके क्रेडिट स्कोर पर वेरी करता है। जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होगा उसके हिसाब से आप सभी लोगों को अमाउंट घट बढ़ सकता है। उसके बाद में आप सभी लोग इस लोन को लेने के लिए आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी लोगों को यहां पर अपने लोन का टर्म सेलेक्ट करना होगा कि कितने दिन के लिए आप सभी लोग ये लोन लेना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को यहां पर 2 मंथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग यहां पर 1 मंथ के लिए ले सकते हैं, जो कि आप सभी लोगों को यहां पर चार्ज दिखाया जा रहा है। उसके बाद में आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि आप सभी लोग अगर चाहें तो 62 दिन के लिए भी ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों को जो भी लेना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप सभी लोग यहां पर देख पाएंगे कि कितना आप सभी लोगों को चार्ज लगने वाला है और आप सभी लोगों को क्या अमाउंट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, वो सभी चीज़ आप यहां पर देख पाएंगे। उसके बाद में आप सभी लोगों को यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को लोन अमाउंट मिलने वाला है, वो बैंक आपको सेलेक्ट मिल जाएगा। देन उसके बाद में आप सभी लोगों को लोन लेने के लिए आप सभी लोगों को नीचे एक बटन दिखाई देगा अप्लाई का, इस पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करते ही आप सभी लोगों के सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप सभी लोग यहां पर देख पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके बाद में आप सभी लोगों का लोन अमाउंट 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस आप सभी लोगों को ध्यान ये देना है कि आप सभी लोगों को ये लोन रात में नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि रात में अप्लाई करेंगे तो आप सभी लोगों का लोन सुबह ही आएगा। आप सभी लोग ये चीज़ ध्यान देंगे। उसके बाद में लोन मिल जाने के बाद में आप सभी लोग इसी एप्लीकेशन से आप सभी लोग अपना EMI भी पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग इमरजेंसी में कहीं भी लोन ले सकते हैं। उसका मैंने पूरा प्रोसेस आप सभी लोगों को दिखा दिया है। अगर आप सभी लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरीके का आप सभी लोगों के लिए जब वीडियो लाएँ तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।